आपको सीधे लेकर चलते हैं अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई है इसलिए और ताकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं, और जैसा इन्होंने कहा हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि इस देश यह देश आगे बढ़े, बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को और जो काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए ही सब लोगों से बातचीत पहले से ही हो रही है और आज भी बातचीत हुई है। तो हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिल करके अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई जो आपको कहा, हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप, जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है, समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे, यही बात हुई। इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ और अच्छा हुआ, अच्छी बातचीत हुई है, बहुत ठीक रहा। नहीं, वो तो देखिए सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।